Good morning, friends. Myself Neeraj Sethia. Again, I welcome all of you to this my video channel. Dear students, as you all know that in recent days we are into online education, and we are doing mathematics over here. From my side, I hope you know that three of our chapters are done, totally done. Which three? Probability, which I think we completed in the school times. Second one was statistics, which we completed here in this video lectures. Third one was constructions, which again we continued and completed here in video lectures. And right now we are going for the fourth chapter from my side, that is chapter number 10, circles. अगर आपको याद हो तो पिछली बार जब हम मिले थे वीडियो लेक्चर में, सर्कल का पहला हिस्सा किया था. अगर कुछ मैं आपको बातें रिमाइंड करवाऊं तो आई टोल्ड यू देयर आर टू एक्सरसाइजेस इन दिस चैप्टर, बेसिकली टू टॉपिक्स, है ना. पहला टॉपिक पहली एक्सरसाइज, दूसरा टॉपिक दूसरी एक्सरसाइज. फर्स्ट टॉपिक वॉज वेरी सिंपल, एक थियरम आया 10.1 और उसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज आई जिसमें ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और एक छोटा सा सम था, है ना. तो वो थियरम 10.1 आई होप आपने अच्छे से लिख लिया होगा और याद भी कर लिया होगा. मैंने कहा था दो ही थियरम्स हैं सिर्फ यहां इस चैप्टर में, 10.1 और 10.2. 10.1 हम सीख चुके हैं पिछले लेक्चर में, 10.2 से आज हम शुरुआत करने वाले हैं. दो ही थियरम हैं जिनमें से एक थियरम 110% कम्स एवरी टाइम इन बोर्ड एग्जाम्स, एवरी सिंगल टाइम. कुछ ऐसे ही थियरम्स चैप्टर 6 में भी आएंगे, ट्राइंगल्स, पर उनकी बात बाद में. इस चैप्टर में सिर्फ दो थियरम्स. तो एक थियरम और एक एक्सरसाइज हम कर चुके, अब हम जो शुरू करेंगे इस हफ्ते वो दूसरा थियरम और दूसरी एक्सरसाइज. तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम दूसरे थियरम से, फिर आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की ओर, जिसमें कुछ 13-14 सम्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स हैं. इस चैप्टर में से ज्यादातर एक तो थियरम आता है और एक और सम जो आता है वो सेकेंड एक्सरसाइज में से आता है, जहां मैंने कहा 13-14 सम्स हैं. उन 13-14 सम्स में से कुछ 4 या 5 गिने हुए न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी 9 से 10 सम्स जनरल सम्स हैं. व्हेन आई से जनरल सम्स मींस लाइक थियरम्स, जहां कोई नंबर इन्वॉल्व नहीं हो, ऑल जनरल थिंग्स वेर यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन डेटा टू प्रूव एंड प्रूफ, है ना. तो ज्यादातर सम्स वो है और उनमें से एक आता है, बैठेगा बैठा. खैर, उसकी चर्चा आगे और इस सेशन में करेंगे. इस सेशन की शुरुआत करते हैं हम इस थ्योरम नंबर 10.2 से. सो आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले थ्योरम नंबर 10.2 का. वैसे इस थ्योरम का हम यूज कंस्ट्रक्शन में कर चुके हैं. आपको याद हो तो कंस्ट्रक्शन में एक सर्कल होता था ऐसे ही, और दो टेंजेंट बनाने होते थे. याद करिए, वो सेंटर से ज्वाइन करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना, नया सर्कल बनाना, दो पॉइंट में कट किया उनको ज्वाइन करना, तो ऐसे दो टेंजेंट बनते थे. फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि मेजर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट. तो मैंने कहा था वैसे तो टेंजेंट रे होते हैं, बट जब बात आए उनकी लेंथ की, क्योंकि रे की तो कोई लेंथ नहीं होती, लेकिन बात आए उनकी लेंथ की, तो क्या करना है आपको, ये पॉइंट से लेके जहां ये टच करे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, वहां तक मेजर करने होते थे सिर्फ आपको. तो ये कंस्ट्रक्शन में आया है. फिर उस टाइम पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप इस टेंजेंट की लेंथ ना हो पी से लेके क्यू तक, या इस पी से लेके आर तक की ना हो, बोथ विल बी सेम, दिस आई टोल्ड यू, है ना. तो बस अब उसी चीज को यहां प्रूव करना है एज अ थ्योरम. लेट्स रीड द सेंटेंस. थ्योरम 10.2 statement says the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. Length of a tangent मतलब मैंने कहा यहां से लेके यहां तक, drawn from an external point, कैसे tangents, जो कोई external point, बाहर के point से draw किए गए. So the length of the tangents drawn from external point to a circle, तो ऑब्वियसली टेंजेंट तो सर्कल को ही ड्रॉ किए जाएंगे, रेक्टेंगल तो नहीं होगा. सो एक सर्कल को बाहर वाले पॉइंट में से ड्रॉ किए गए दो टेंजेंट्स की लेंथ आर इक्वल, सेम होती है. दैट मींस पी से लेके क्यू, दिस डिस्टेंस पी क्यू
and this distance PR must be equal. This is what this theorem says. Now we need to prove this theorem. ये हमको prove करना है. Prove करना मतलब construction draw नहीं करेंगे. कि देखो हमने construction बनाई, ये हुआ, scale से measure किया, दोनों equal हैं. This is not the way to prove. The way to prove is a generalized thing. तो जैसे मैंने कहा था, we will write the answer in three parts: data, to prove, and proof. So let's start the answer. Data as usual मतलब जो चीज statement में given हो. तो स्टेटमेंट में क्या क्या गिवन है कि एक सर्कल है, सर्कल है तो कोई ना कोई सेंटर होगा उसका, एक एक्सटर्नल पॉइंट है और दो टेंजेंट है. तो वही मैंने लिखा है डेटा में. देखिए सर्कल और सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, एक्सटर्नल पॉइंट पी, बाहर का पॉइंट पी है, एंड टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर इज गिवन. एक ऐसा सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर O है, जिसके बाहर का पॉइंट P है, और जिसको टेंजेंट्स जो ड्रॉ किए गए हैं वो PQ एंड PR है. तो वही तो क्वेश्चन में गिवन. अब क्वेश्चन में क्या लिखा था लास्ट में कि वो दोनों इक्वल हैं, ऐसा प्रूव करिए. तो जो प्रूव करना है हमको वो आएगा टू प्रूव में. सो टू प्रूव में मैंने लिखा है PQ एंड PR आर इक्वल, PQ इक्वल टू PR. तो ये हमारा टारगेट है. अब हम जाएंगे प्रूफ की ओर कि इसको कैसे प्रूव किया जाए, है ना. तो ये स्टार्ट करते हैं. इसको प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं हम स्टैंडर्ड 9 में एक जो कॉन्सेप्ट सीखे थे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, पता है शॉर्टकट्स आते थे SSS, ASA, SAS, RHS, उन शॉर्टकट्स का यहां उपयोग करना है और उनसे ये थ्योरम प्रूव करना है. बहुत ही छोटा सा थ्योरम है ये, इसका मतलब लेंथी वन जो थ्योरम 6 चैप्टर 6 के जो थ्योरम्स हैं they are lengthy one, but here in this chapter number 10 theorems are very small. आपने देखा था point 1 theorem भी बहुत small था, point 2 theorem भी बहुत ही small है. तो आइए शुरुआत करते हैं. सबसे पहला step proof के अंदर आपको ये करना है. इतना figure तो question पे से बनाया है ना, data पे से हमने एक circle दो tangent. अब नया कुछ कर रहे हैं जो question में नहीं given था. वो नया ये है, इस O से लेके इस Q तक को ज्वाइन करें और इस O से लेके R को ज्वाइन करें, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है. और एक और चीज ज्वाइन करनी है, वो है OP. क्यों ऐसा बता रहा हूं, ठीक है. तीन चीजें ज्वाइन की, OQ, OR एंड OP. ऐसा क्वेश्चन में नहीं गिवन था, ये तो प्रूव करने के लिए हमने ज्वाइन किया. तो जो नया करें, जो क्वेश्चन में ना गिवन हो उसको पहले लिखना पड़ता है. तो आंसर में सबसे पहले लिखेंगे जॉइन OQ, OR एंड OP, जॉइन दिस थ्री. ये सबसे पहले आंसर लिखना पड़ता है. अब जब इन दोनों को जॉइन किया तो यहां मैं राइट एंगल ड्रॉ कर रहा हूं. क्यों ऐसा, क्योंकि थ्योरम नंबर 10.1 जो पिछली बार किया था वो क्या कहता था कि आपने अगर कोई ऐसी रेडियस बनाई जो आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से बनाई है, एक टेंजेंट, 10.1 थ्योरम याद करो, ऐसा था चित्र कि ये टेंजेंट हो मान लो, ये सेंटर है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है. तो अगर आप पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ जुड़ी हुई अगर आप रेडियस बनाते हैं तो वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है. यही तो स्टेटमेंट था थ्योरम 10.1 का. तो इसीलिए थ्योरम 10.1 का हवाला देते हुए, उसको याद करते हुए मैंने यहां ये राइट एंगल बनाया है. तो मैंने लिखा यहां पे कि देयरफॉर एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू 90 डिग्री. रीजन थ्योरम 10.1, वो दोनों एंगल 90 डिग्री पर. बट तो क्या उससे क्या फायदा होगा, आई विल टेल यू क्या फायदा. Now you look at the picture. आपको दो triangles दिखाई दे रहे हो. One is this one, another is this one. दिखाई दे रहे हैं? एक का नाम है PQO and second is PRO. ये दो triangles दिखाई दे रहे हो. अब इन दो triangles के लिए हम वो ninth वाले shortcuts लगाएंगे, ढूंढेंगे कौन कौन से combination बनते हैं. तो मैं लिखता हूं here in triangle, first one is PQO,
और सेकंड है ट्राइंगल पी आर ओ। इन दो ट्राइंगल्स के लिए अब हम वो तीन शॉर्टकट्स कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं। तो एक आपको दिखाई दे रहा होगा ये ओपी जो कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है। सो आई एम राइटिंग ओपी इक्वल्स टू ओपी। रीजन लिखना पड़ता है, रीजन इज कॉमन साइड। ओके, सेकेंड कॉम्बिनेशन इज दिस वन, ओ आर इक्वल्स टू ओ क्यू। दिस वन, ये और ये सेम। क्यों ये सेम? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों रेडियस है, ओ क्यू रेडियस है सर्कल के लिए और ओ आर भी रेडियस है। रेडियस तो हम इनफाइनाइट बना सकते हैं, हर एक की लेंथ तो सेम होती है। सो बिकॉज दे बोथ आर रेडियाई, रेडियस वर्ड सिंगुलर वर्ड है, उसका प्लूरल वर्ड है रेडियाई। सो दे बोथ आर रेडियाई, एक ही सर्कल की रेडियस है इसीलिए दोनों इक्वल होंगे, है ना। तो देखिए दो कॉम्बिनेशन मिल गए और दोनों साइड के हैं, एक ये साइड और एक ये साइड। अब तीसरा कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं, तीसरे साइड का भी मिल जाए तो चले या एक आध एंगल मिल जाए तो चले। साइड का नहीं मिलेगा यहां, क्योंकि तीसरी साइड जो बची पी क्यू और पी आर वो तो अपने टारगेट में है प्रूव करना, वो तो इक्वल है कि नहीं पता नहीं, उसी को तो इक्वल प्रूव करना है। सो तीसरी साइड तो नहीं मिलेगी, तो एक एंगल मिलेगा यहां पे, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। सो आई एम राइटिंग एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल आर। रीजन क्या लिखेंगे? ईच 90, रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री। तो हो गया कॉम्बिनेशन, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं दोनों, तो एक राइट एंगल एक हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन सा होता है ये ओपी, और एक साइड, तो तीन कॉम्बिनेशन हमको मिल गए। सो आई एम राइटिंग देयरफोर फ्रॉम आरएचएस रूल, याद होगा हमने नाइन्थ में ऐसे बहुत सारे सम्स किए हैं शॉर्टकट ढूंढना। देयरफोर फ्रॉम आरएचएस रूल आई कैन से दैट ट्राइंगल पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रूएंट टू ट्राइंगल पी आर ओ। ट्राइंगल पी क्यू ओ ऊपर का ट्राइंगल एंड ट्राइंगल पी आर नीचे का ट्राइंगल, दोनों कैसे हैं? कॉन्ग्रूएंट है, क्योंकि हमको ये शॉर्टकट मिल गया। नाइन्थ याद करिए फिर से, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रूएंट हो गए तो अगला स्टेप होता था सीपीसीटी, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रूएंट ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रूएंट हो गए मतलब अब उनकी सारी चीजें इक्वल होंगी, जैसे यहां एक साइड, यहां एक दूसरी साइड, जैसे इसकी ये साइड, ऐसी ये साइड, तीसरी साइड, सारे एंगल, एवरीथिंग विल बी सेम नाउ। तो इसीलिए बिकॉज बोथ आर कॉन्ग्रूएंट, तो यहां पहले क्या लिखा है पी क्यू और यहां पहले क्या लिखा है पी आर। सो पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, रीजन लिखेंगे क्या? सीपीसीटी, सीपीसीटी इज द रीजन। बस ये तो नाइन्थ का सम पूरा किया तो हमारा थ्योरम पूरा हो गया, यही तो चाहिए था, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। सो अवर जॉब इज डन, राइट, दिस इज वॉट वी वॉन्टेड टू प्रूव। सो बेसिकली अगर आप देखना चाहें तो दिस इज नॉट अ थियरम, दिस इज अ सम और क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड नंबर 9। ये थियरम से ज्यादा स्टैंडर्ड नंबर 9 का सम ज्यादा है, जहां कुछ नहीं करना था, दो ऐसे ट्राइंगल्स के लिए ये तीन कॉम्बिनेशन ढूंढने थे। सो वेरी सिंपल थियरम इज दिस, बट इट इज आस्क्ड सो मेनी टाइम्स। आप कोई रेफरेंस बुक उठा के देखिएगा, आर डी शर्मा एंड समथिंग, ओवर देयर इट विल बी मेंशन के कौन कौन से ईयर में ये थ्योरम पूछा गया है, एंड यू विल फाइंड लॉन्ग लिस्ट ऑफ द ईयर्स, इस साल भी, इस साल भी, इस साल भी। सो दिस थ्योरम इज आस्क्ड सो मेनी टाइम्स एंड लुक एट द सिंपलिसिटी ऑफ द थ्योरम, इट कैन गिव यू आइदर 3 or 4 मार्क्स 100%। सो आई थिंक बेटर यू शुड राइट दिस इन योर होमवर्क। अभी सेशन पूरा नहीं हो रहा है, बट राइट नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क, और कुछ तो होमवर्क आएगा ही, लेकिन एक होमवर्क तो ये है कि इस थ्योरम को वापस से एक बार आपको HW में तो लिखना ही है, CW में तो आपको जो क्लास में करवाया जाता है वो तो लिखना ही है, HW में भी इस थ्योरम को एक बार मेंशन करना है।
okay. So this was theorem number 10.2. So after theorem 10.1 now, or rather 10.2, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 10.2 की ओर, है ना? I told you कि दो ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, 10.1 and 10.2. 10.1 हम कर चुके, now we are starting 10.2. इस 10.2 एक्सरसाइज के अंदर टोटल 13 सम्स हैं, 1, 3, 13, है ना? उन 13 सम्स में से मैंने कहा आपको थोड़ी देर पहले कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी मोस्ट ऑफ जनरल सम्स हैं उस थ्योरम की तरह. तो इस 13 सम्स में से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 5 हैं, वो है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7. 5 आर न्यूमेरिकल्स, और बाकी जो 8 बाकी रहे टोटल 13 में से, इन 5 को छोड़ के जो 8, वो सारे जनरल सम्स हैं. डेटा टू प्रूव, प्रूफ इस तरीके से उसको लिख के हम उनको प्रूव करेंगे, है ना? तो पहले हम क्या करेंगे, इन 13 में से इन 5 को साथ में लेंगे, ताकि न्यूमेरिकल्स सिंपल भी हैं, आपके लिए भी आसान रहे, और न्यूमेरिकल्स एक साथ आ जाए. इसलिए न्यूमेरिकल्स पहले लेंगे हम, और उसके बाद जो है वो हम लेंगे नेक्स्ट जनरल सम्स. ओके, तो 5 न्यूमेरिकल्स में से 3 मैं करवाऊंगा, 3, और 2 आपको होमवर्क मिलेंगे. देखिए ये लिखा आपका आज का होमवर्क. एक तो 5 मिनट पहले अभी मैंने आपको होमवर्क दिया, कौन सा था वो, कि थ्योरम नंबर 10.2 वापस से आपको HW बुक में लिखना है. तो एक थ्योरम तो मिल चुका था. अब जो ये 5 न्यूमेरिकल्स हैं, 1, 2, 3, 6, 7, इनमें से क्वेश्चन 1 ये मैं नहीं करवाऊंगा, और क्वेश्चन 6 ये मैं नहीं करवाऊंगा, बिकॉज ये आपके होमवर्क है. और होमवर्क भी कौन से दिए हैं मैंने आपको बताया, पहली एक्सरसाइज याद करें 10.1, उसमें एक लास्ट जो हमने सबसे सम किया था वो पाइथागोरस वाला सिंपल, दो साइड भी हो तीसरी साइड ढूंढे. तो ये क्वेश्चन 1 भी वही का वही, मतलब नंबर अलग होंगे लेकिन वही का वही. याद है वहां रूट 119 आंसर आया था, मुझे याद है, आपको याद हो तो वही का वही, सिर्फ नंबर बदल के क्वेश्चन 1 है, और वही का वही नंबर बदल के वापस से क्वेश्चन 6 है. वैसे तो इन दोनों को एक्सरसाइज 10.1 में होना चाहिए था, 10.2 में नहीं, बट खैर जहां भी है वो, तो ये दो सम्स आप करेंगे, इतने इतने दो दो लाइन के. तो टुडेज योर होमवर्क, आई एम गिविंग इट राइट नाउ, थियरम 10.2 अभी अभी किया वो, एंड दीज टू सम्स 1 and 6. बाकी जो 2nd, 3rd and 7th रहे, दैट आई एम डूइंग इट राइट नाउ, है ना? ताकि हम ये न्यूमेरिकल्स पूरे कर पाए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में ये फिगर दिया हुआ है, यू कैन लुक एट योर टेक्स्ट बुक, दिस फिगर इज ऑलरेडी गिवन. नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन सेज. क्वेश्चन सेज इन दिस फिगर 10.11, टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स, टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ. सो सर्कल विद सेंटर ओ, एंगल पी ओ क्यू इज 110, एंगल पी ओ क्यू इज 110, देन एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इज डैश क्वेश्चन मार्क, एंगल पी टी क्यू ये पूछा है. वेर इज एंगल पी टी क्यू, हियर इज एंगल पी टी क्यू, सो ये क्वेश्चन मार्क है. वेरी सिंपल स्मॉल 1 mark क्वेश्चन इज दिस. वैसे वहां देखे तो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, क्योंकि वो एमसीक्यू के फॉर्म में दिया हुआ है वहां पे. सो इट कैन बी 1 mark क्वेश्चन फॉर यू इन बोर्ड एग्जाम, एंड वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. देखिए ये 110 दिया है, ये क्वेश्चन मार्क है, और ये मैं अपने हिसाब से लिख दे रहा हूं 90 degree, ये भी मैं अपने हिसाब से लिख दे रहा हूं 90 degree. व्हाई? थ्योरम 10.1. सो आई एम राइटिंग आंसर, आई एम राइटिंग आंसर दैट एंगल पी इक्वल्स टू एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 degree. रीजन इज व्हाट? रीजन इज थ्योरम 10.1. रीजन इज थ्योरम 10.1. अब सर्कल वगैरह, टेंजेंट वगैरह सब कुछ भूल जाए, एक क्वाड्रिलेटरल देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो, पी पी ओ क्यू 4 sides क्वाड्रिलेटरल. सो आई एम राइटिंग
इन क्वाड्रिलेटरल TPOQ इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जैसे ट्राइंगल में तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का एडिशन मिला के 360 होता है। सो आई एम राइटिंग इन क्वाड्रिलेटरल TPOQ एंगल टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब वैल्यू पुट करते हैं एंगल टी, एंगल टी तो क्वेश्चन मार्क में ढूंढना है, एंगल पी, एंगल पी इज 90, एंगल ओ इट इज 110, दिस इज अगेन 90 इक्वल्स टू 360 डिग्री इक्वल्स टू 360। सो देयरफॉर एंगल टी प्लस इन सबको अगर आप ऐड करेंगे इट विल गिव यू 290 equals to 360 degree. So angle T equals to 360 degree 290 वहां जाएगा तो obviously minus बन जाएगा. So final answer of angle T will be 70 degree and ये option के अंदर given है, it is option B. This is second option B. So this MCQ is done. MCQ पूरा हो गया है ना। ऐसा ही सिंपल सा छोटा सा ये क्वेश्चन नंबर 2। अब ऐसा ही एक और करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, उसमें फिगर नहीं गिवन है, सेंटेंस फॉर्म में ही है, वो भी एमसीक्यू है। सो लेट्स रीड दैट क्वेश्चन नंबर 3। इट सेज इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, दो टेंजेंट को नाम देना है पी ए एंड पी बी, नाम से पता चलता है कि अगर पी ए और पी बी नाम है तो P पॉइंट जो है वो बाहर वाला होगा और वो जो दो पॉइंट में टच करेगा वो A और B होंगे। सो टेंजेंट P A एंड P B फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O, तो बना देते हैं सर्कल विद सेंटर O, बाहर का पॉइंट कोई पॉइंट लेना है हमको P, so this outside point is this P, this point is A, this point is B. So ऐसे given है, are inclined to each other at the angle of 80. कौन? PA और PB जो दो tangent हैं, they are inclined to each other at 80 degree. Inclined मतलब वो दोनों जहां मिल रहे हैं वहां 80 degree बन रहा है, तो दोनों tangent यहां मिल रहे हैं. So this angle is given 80 degree. तो पूछा है फाइंड एंगल POA, एंगल POA इज क्वेश्चन मार्क। तो पहले तो ढूंढे वेर इज POA, तो POA लेकिन POA तो ज्वाइन ही नहीं है, इसीलिए सबसे पहले इसको ज्वाइन करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। इसको भी ज्वाइन करना है, इसको भी ज्वाइन करना है। क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि वापस से एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा जैसे इस सम ने बना था। फर्क क्या है देखिए, यहां भी 90 बनेगा, दिस वन 90, दिस वन आल्सो 90। हमको कौन सा पूछा है? पी ओ ए, पी ओ ए दैट मीन्स सिर्फ इतना पूछा है हमको, दिस वन सिर्फ इतना पूछा है, बिल्कुल इससे मिलता जुलता पिक्चर। तो वापस वही तरीके से करेंगे, दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, रीजन इज थ्योरम 10.1, रीजन इज थ्योरम 10.1, अगेन इन क्वाड्रिलेटरल, सो इन क्वाड्रिलेटरल नेम इज पी ए ओ बी, पी ए ओ बी, इसके अंदर एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज, एंगल पी, एंगल पी इज 80 डिग्री, सो 80, एंगल ए, एंगल ए इज 90 डिग्री, एंगल ओ पता नहीं, सो एंगल ओ विल रिमेन एंगल ओ, दिस अगेन 90 इक्वल्स टू 360। अब जब आप इनको ऐड करेंगे 80 प्लस 90 प्लस 90, 80 प्लस 90 इज 170, 170 प्लस 90 इज 260, सो 260 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360, राइट? नाउ विल टेक दिस 260 ऑन दैट साइड, सो इट विल बिकम माइनस, सो व्हाट रिमेन्स?
एंगल ओ इक्वल्स टू 100 डिग्री, एंगल ओ इक्वल्स टू 100 डिग्री, बट आप ऑप्शन देखेंगे यू विल नॉट फाइंड 100 डिग्री एनीवेयर. रीजन इज हमको पूरा एंगल ओ नहीं पूछा था, हमने तो जो ये एंगल ओ ढूंढा वो तो ये पूरा एंगल ओ है, हमको तो उसका आधा पूछा था, यहाँ जो दो टुकड़े हो रहे हैं इसीलिए. सो हमको जो पूछा है एंगल पी ओ ए दिस वन वो होगा 100 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 50 डिग्री, और ये है ऑप्शन ए. सो अवर फाइनल आंसर इज 50 डिग्री, ऑप्शन ए. ओके, तो ये दो बिल्कुल एक जैसे सम थे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. जैसे मैंने आपको कहा टोटल 5 न्यूमेरिकल्स हैं अभी इस एक्सरसाइज 10.2 में, 5 में से 2 मैंने आपको दिए. कौन कौन से 2 दिए? वो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6. 2, 3 और 7 मैंने कहा आई विल डू इट, सो 2 एंड 3 आर डन. नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 सो दैट एवरी न्यूमेरिकल्स आर डन. सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7. पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 7 सेज टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वर्ड आ चुका है पहले भी कंस्ट्रक्शन चैप्टर में, ऐसे दो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम. सो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 एंड 3 आर गिवन. सो आई एम ड्रॉइंग 2 सर्कल्स, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आई एम ड्रॉइंग. तो ये हो गए 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ. एक की रेडियस 3 है छोटे वाले की और बड़े वाले की 5 है, वो ड्रॉ करता हूं. आगे क्या लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल. क्वेश्चन पूरा, अब आपको ये सेंटेंस समझना पड़ेगा. फाइंड द लेंथ ऑफ द कोर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल. एक ऐसा कोड बनाना है जो हो किसका, बड़े वाले सर्कल के लिए कोड हो लेकिन वो छोटे वालों को टच कर रहा हो, मतलब छोटे वाले के लिए टेंजेंट हो. सो सी व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम ड्रॉइंग दिस. इफ आई गिव दिस नेम ए बी, लुक एट दिस लाइन सेगमेंट ए बी. व्हाट इज दिस लाइन सेगमेंट ए बी? इट इज अ कोड. छोटा सर्कल भूल जाए अभी, सिर्फ बड़ा सर्कल देखे. सो व्हाट इज ए बी? ए बी इज अ कोड फॉर बिगर सर्कल. अच्छा, नाउ फॉरगेट द बिगर सर्कल, जस्ट थिंक अबाउट द स्मॉल सर्कल. सो स्मॉल सर्कल एंड दिस वन, सो इट इज टेंजेंट. तो बन गया ना, तो इसकी लेंथ हमको ढूंढनी है. सो ए बी इज क्वेश्चन मार्क, यही पूछा था. फाइंड द लेंथ ऑफ द कोर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल. ओके, अब वो 3 एंड 5 कहां होंगे वो लिखता हूं. रेडियस जो गिवन थी, अगर इस सेंटर को ओ नाम दे दूं और इस पॉइंट को मैं मान लीजिए पी नाम दे दूं और मैं इनको ज्वाइन करूं ओ से लेके पी, तो ये 3 सेंटीमीटर होगा, है ना, बिकॉज छोटे सर्कल की रेडियस हुई. अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं ओ से लेके बी, तो ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस हुई, ये हुई 5. सो ओपी इक्वल्स टू 3 एंड OB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है. और हमको पूछा है पूरा AB ढूंढिए. अब मैं आंसर लिखने की शुरुआत करता हूं. सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं लिखता हूं एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहां पे दिस वन. व्हाई? अगेन सेम रीजन, थ्योरम 10.1, ये टेंजेंट, ये परपेंडिकुलर, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में से रेडियस बनी है. सो इट इज 90. जैसे 90 आया तो ये ट्राइंगल हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल. सो वी कैन ऑलवेज अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. सो इन ट्राइंगल ओपीबी, इन ट्राइंगल ओपीबी ओबी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर. Right? So we have applied Pythagoras theorem. Now let's put the values. OB square. OB is 5. So 5 square
equals to OP. OP is 3. So 3 square plus PV square. 5 square is 25. This is 9 plus PV square. If you take 9 on this side, it will become minus. So PV square equals to 16. So PV equals to 4. PV equals to 4. Itna. Ye 4 mila. This one. But kya ye question tha? Nahin. Question was full AB. But aap samajh sakte hain, aisa hi dusra triangle yaha banaya ja sakta hai. Aur fir isko dhundenge to wapas ye bhi 4 hi aayega. To dusri baar dhundne ki zarurat nahi. Just write it down. Ki jo wo aapko AB dhundna tha, ye pura wo ye jo dhunda hai, usse double hi hoga. So it is 2 multiplied by PB. So that is why AB equals to 2 multiplied by 4. So final answer of this question is AB equals to 8 centimeter. AB equals to 8 centimeter. Our sum is done. Right? So I hope you got this one. So, dear friends, this was question number 7. As I told you that there are 5 numericals in this exercise. 1st, 2nd, 3rd, 6th, 7th. 1st and 6th, I gave you homework. Baki din maine karwa diye. So out of total 13 sums of this exercise, 5 are done. Baki 8 baki bache. 8. Unki charcha jab hum agle video lectures mein milenge, tab karte rahenge. Wo sare generalize hain. Okay? So let's wind up today's session. It is enough for today. 1 theorem and 3 sums from my side. And what is your homework? The same theorem plus 2 more sums. Question 1 and question 6. Okay? So that's it for today's video lecture. Next time we'll continue with some more sums. Till the time, thank you so much. Have a very good day. Take care of yourself and your family. Stay home, stay safe is still the biggest mantra of life. Okay? Have a good day. Thank you.